फिर एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है वो है सिलोम या बॉडी कैविटी का। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें बॉडी के अंदर कैविटी मौजूद है या नहीं है उसकी बेस पे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती, मिसाल के तौर पर प्लेटी हेलमेंथीस या फ्लैट वर्म्स हैं। तो फ्लैट वर्म्स के अंदर कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती और इनको हम एसिलोमेट यानी विदाउट सिलोम वाले ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसके मुकाबले में नीमाटोडा यानी के जो राउंड वर्म्स हैं उनके अंदर बॉडी जो है उसके अंदर एक कैविटी तो मौजूद होती है लेकिन वो ट्रू सिलोम नहीं होती। ट्रू सिलोम का क्या मतलब है वो हम आगे जाके देखते हैं। तो इनको हम सूडो सिलोमेट्स कहते हैं। सूडो मीन्स फॉल्स और सिलोमेट मीन सिलोम वाले ऑर्गेनिजम्स। और इसके मुकाबले में एक जो सबसे एडवांस ग्रुप है एनिमल्स का वो सिलोमेट कहलाता है। इनके अंदर बाकायदा तौर पर एक ट्रू सिलोम मौजूद होती है। अब इन तीनों चीजों का क्या मतलब है, ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट और सिलोमेट, इसको हम मजीद डिस्कस करते हैं। ए सिलोमेट में अगर हम फ्लैट वर्म्स को देखें तो ये आपके पास एक फ्लैट वर्म है प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया इसको हम कहते हैं। प्लेनेरिया की बॉडी को अगर आप दरमियान में से काटें और उसको सामने से ऑब्जर्व करें क्रॉस सेक्शन में तो आप देखेंगे कि इसकी बॉडी में एक ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की जिसने पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। ये एपिडर्मिस कहलाती है और एपिडर्मिस एक्चुअली डिराइव्ड है एक्टोडर्म से। वो जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान में तीन लेयर्स बनी थी उनमें से एक्टोडर्म से ये एपिडर्मिस बनी है। उसके बरक्स ये जो अंदर गट को जो डाइजेस्टिव ट्रैक को जो लेयर जो है जिस सेल्स ने सराउंड किया हुआ है ये सेल्स एक्चुअली आए हैं एंडोडर्म से। और इन दोनों के दरमियान में एक ये रेड कलर का टिश्यू आपको नजर आ रहा है जिसने इन दोनों के दरमियान का सारा इलाका फिल किया हुआ है। और यहाँ पे कोई भी आपको खाली जगह नजर नहीं आ रही है, ये सारा एरिया डेंसली पैक्ड है। ये डेंसली पैक्ड एरिया जो है ये सारा बनाया है, ये मैस ऑफ टिश्यूज बनाया है मीजोडर्म ने, और इनके दरमियान में कोई कैविटी मौजूद नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई कैविटी मौजूद ना हो इनको हम एसिलोमेट्स कहते हैं। और ये एसिलोमेट्स जो हैं ये फाइलम प्लेटी हेलमेंथीस के मेंबर्स हैं जिसके अंदर प्लेनेरिया या दूसरे फ्लैटवर्म्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो ग्रुप है एनिमल्स का वो सूडो सिलोमेट है, और सूडो सिलोमेट्स में आ जाते हैं मेंबर्स फाइलम नीमाटोडा के। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक राउंड वर्म है। अब इस राउंड वर्म का अगर हम क्रॉस सेक्शन लें, इसको दरमियान में से काटें और फिर देखें क्रॉस सेक्शन में, तो ये सबसे बाहर आप देख सकते हैं के एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल एक आउटर मोस्ट लाइनिंग है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, और ये एपिडर्मिस एक्चुअली आई है एक्टोडर्म से, डिराइव्ड है जो ब्लास्टुला स्टेज के दौरान में एक्टोडर्म बनी थी उससे अब ये एपिडर्मिस बनी है। फिर सबसे अंदर की तरफ ये सेल्स की एक लेयर है जिसने डाइजेस्टिव ट्रैक को कवर किया हुआ है, गट की इंटरनल लाइनिंग बनाई हुई है, और इसको ये एक्चुअली आई है एंडोडर्म से, डिराइव्ड लेयर है। और अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक ये रेड कलर का मास है सेल्स का, टिश्यूज का, जो एक्चुअली मीजोडर्म से डिराइव्ड टिश्यू है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मीजोडर्मल टिश्यू जो है वो एक्टोडर्म के तो साथ लगा हुआ है लेकिन एंडोडर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एंडोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान में एक काफी सारी खाली जगह मौजूद है। ये सारी जो खाली जगह है ये एक बॉडी कैविटी है, और ये बॉडी कैविटी सूडो सिलोम कहलाती है।
सूडो सिलोम क्यों कहलाती है? इसलिए कहलाती है कि ये बॉडी कैविटी सिर्फ एक तरफ से तो मीजोडर्म से लाइंड है, दूसरी तरफ ये मीजोडर्म से लाइंड नहीं है बल्कि ये एंडोडर्म से लाइन हुई हुई है, तो इस वजह से ये बॉडी कैविटी सिलोम सूडो सिलोम कहलाती है, सिलोम नहीं कहलाती। इसके मुकाबले में अगर हम सीलोमेट्स को देखें तो मिसाल के तौर पे शीप का या ह्यूमन का या किसी इंसेक्ट वगैरह का आप क्रॉस सेक्शन लें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि बॉडी के सबसे बाहर जो है वो एक लेयर है, स्किन वगैरह मौजूद होती है, और ये स्किन जो है ये बनी हुई है एक्टोडर्म से एज यूजुअल, और इनर मोस्ट जो है वो गट मौजूद है, और ये गट जो है ये बनी है एंडोडर्म से, डाइजेस्टिव सिस्टम एंडोडर्म से डिराइव्ड है। उसके मुकाबले में ये दरमियान में जो है एक्टोडर्म के साथ आपको मसल्स मसल टिश्यू की एक लेयर नजर आ रही है, ये मसल्स जो है मीजोडर्म ने बनाए हैं। अब यहाँ पे दरमियान में आपको काफी सारी जो है ये खाली जगह भी नजर आ रही है, ये खाली जगह जो है ये बॉडी कैविटी है। और अब यहाँ पे आप देखें तो ये बॉडी कैविटी दोनों तरफ से मीजोडर्म से कवर्ड है, बाहर की तरफ भी इसके मीजोडर्म मौजूद है और अंदर की तरफ से भी मीजोडर्म ने इसको लाइन किया हुआ है, और आप किसी भी तरफ से देख लें तो ये हर तरफ से मीजोडर्म से कवर्ड कैविटी है, ये सारी कैविटी जो है उसको दोनों तरफ से मीजोडर्म ने कवर किया हुआ है, तो ऐसी कैविटी को हम ट्रू सिलोम कहते हैं। और जितने भी एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सीलोमेट्स होते हैं, इनके अंदर प्रॉपर सिलोम मौजूद होती है, इस सिलोम की वजह से ये ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स डेवलप कर सकते हैं, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं और इनका लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये रिलेटिवली सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ग्रुप है एनिमल्स का। अब सीलोमेट्स के अंदर भी फर्दर आप देखें तो क्लीवेज का पैटर्न जो है वो दो तरह का होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है और कुछ एनिमल्स के अंदर रेडियल क्लीवेज होती है। क्लीवेज क्या होती है, हम पहले थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि एग और स्पर्म के आपस में मिलने से एक सिंगल सेल्ड जाइगोट बनता है, ये जाइगोट जो है वो फर्दर डिवाइड होता है और ये दो सेल्स में बट जाता है, फिर दो से चार सेल्स बनते हैं और चार से आठ सेल्स बनते हैं। अब रेडियल क्लीविज में आप देखें जो ये डायग्राम आपको नजर आ रही है कि ये एक सेल जो है दो सेल्स में डिवाइड हुआ है और दो से ये 1 2 3 4 टोटल चार सेल बन गए हैं, और फिर ये 1 2 3 सेल नंबर 4 जो है उनके ऊपर इनकी फर्दर डिवीजन से इनके ऊपर सेल नंबर 5 6 7 और 8 बने हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो सेल नंबर 5 जो है ये सेल नंबर 1 के बिल्कुल टॉप पे रखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर रखा हुआ है, इसी तरह सेल नंबर 6 जो है वो सेल नंबर 2 के बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है, और सेल नंबर 7 3 पे और 8 4 के ऊपर रखा हुआ है, तो ये तमाम सेल्स जो हैं ऊपर वाले अपर टायर ऑफ सेल्स जो हैं वो लोअर टायर ऑफ सेल्स के एग्जैक्ट ऊपर रखे हुए हैं। तो ऐसी क्लीविज जिसमें पहले चार सेल्स के ऊपर अगले चार सेल्स बनते हैं, इस क्लीविज को हम रेडियल क्लीविज कहते हैं। उसके मुकाबले में स्पाइरल क्लीविज होती है, इसमें होता क्या है कि ये एक जाइगोट से दो सेल्स बने, दो से चार सेल्स बने। अब ये चार सेल्स जो हैं इनको हम नंबर दे लेते हैं 1 2 3 और 4, और यहाँ पे आप देखें तो ये वन सेल नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और इसके ऊपर ये सेल नंबर 5 6 7 और 8 फर्दर डिवीजन से बने हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो होना क्या चाहिए था कि सेल नंबर 1 के बिल्कुल ऊपर सेल नंबर 5 होना चाहिए था, 2 के ऊपर 6 होना चाहिए था, 3 के ऊपर 7 होना चाहिए था और 4 के ऊपर 8 बनना चाहिए था, लेकिन ये सेल्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं आए हैं बल्कि दो सेल थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे ये घूम के
दरमियान में दोनों सेल नंबर 1 और 2 के दरमियान में सेल नंबर 5 आ गया है। इसी तरह सेल नंबर 6 जो है वो 2 के ऊपर आने के बजाय थोड़ा सा घूम के 3 और 4 के ऊपर आ गया है। तो ये जो थोड़ा सा सेल्स ऊपर वाले अपर टायर ऑफ सेल्स थोड़ा सा ट्विस्ट हो गए हैं, तो ऐसी क्लीविज को हम स्पायरल क्लीविज कहते हैं। और ये भी हमें हेल्प, ये दोनों पैटर्न्स जो हैं क्लीविज के, ये एनिमल्स के डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं, और इस बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पायरल क्लीविज होती है इनको हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं, और जिन एनिमल्स के अंदर रेडियल क्लीविज होती है इनको हम ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। अब स्पायरल क्लीविज जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है उनकी क्लीविज जो है वो डिटर्मिनेट कहलाती है। डिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है? डिटर्मिनेट का मतलब है कि इन ऑर्गेनिजम्स में सेल्स की फेट प्री डिटर्मिंड होती है। प्री डिटर्मिंड फेट का क्या मतलब है? प्री डिटर्मिंड फेट का मतलब ये है कि इनमें से हर सेल जो है उसको पहले से पता है कि उसने आगे चल के कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनाना है। उसके मुकाबले में जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं इनकी फेट डिटरमिंड नहीं है, बल्कि इनमें से कोई भी सेल आइंदा चल के कोई सा भी ऑर्गन और कोई सा भी ऑर्गन सिस्टम बनाने की सलाहियत रखता है। यहाँ तक कि इस पूरे सेल को अगर आप बाकी 8 सेल से सेपरेट भी कर दें तो ये अल्टीमेटली ग्रो करके तमाम बॉडी के ऑर्गन्स बनाने की सलाहियत रखता है और एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बना सकता है। तो ऐसी क्लीविज जिसमें फेट पहले से डिटरमिंड हो उसको हम डिटरमिनेट क्लीविज कहते हैं, और जिसमें सेल्स की फेट पहले से डिटरमिंड ना हो उनको हम इनडिटरमिनेट क्लीविज कहते हैं। और स्पायरल डिटर्मिनेट क्लीविज जो है वो प्रोटोस्टोम्स के अंदर होती है, उसके मुकाबले में रेडियल इनडिटर्मिनेट क्लीविज जो है वो ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर होती है। फिर एक और फर्क जो इन दोनों टाइप की क्लीविज में पाया जाता है वो सिलोम की एग्जैक्ट फॉर्मेशन का है कि सिलोम कैसे बन रही है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक ब्लास्टुला है जिसके अंदर गैस्ट्रुलेशन शुरू हुई है, तो यहाँ पे इसमें एक आउटर मोस्ट लेयर है, ये एक्टोडर्म है, और इसके अंदर एक ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये एंडोडर्म बना रही है। अब इन दोनों के दरमियान में ये जो लाइट ब्लू रीजन है ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये मीजोडर्म है। अब सिलोम बननी है और सिलोम कैसे बननी है वो, ये दोनों ग्रुप्स के अंदर सिलोम बनने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाज केसेस में प्रोटोस्टोम्स के अंदर क्या होता है कि प्रोटोस्टोम्स के अंदर ये जो सेल्स हैं मीजोडर्म के ये साइड्स पे मूव करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये दरमियान में एक सुराख बन जाता है। इस सुराख को हम ये सुराख बाद में चल के सिलोम बनाता है। ये सेल्स जो हैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा दूर मूव कर जाते हैं और दरमियान की जगह खाली हो जाती है, और इसी तरह एक खाली जगह जो है वो यहाँ पे भी आ जाती है, और ये जो है अल्टीमेटली मिलके सिलोम बनाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही सिलोम का, ये मीजोडर्म का मास है दरमियान में काफी बड़ा सा, सारे एरिया को कवर किया हुआ है, और फिर वो दो हिस्सों में स्प्लिट होके दरमियान की जगह खाली करके उसकी वजह से सिलोम बन रही है। तो ऐसी सिलोम को हम शाइजोसीलस सिलोम कहते हैं कि सिलोम दो हिस्सों में स्प्लिट हो रही है। शाइजो का मतलब स्प्लिटिंग होता है, तो सिलोम स्प्लिट हो रही है तो इस वजह से ये शाइजोसीलस सिलोम कहलाती है। उसके मुकाबले में जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर ये मीजोडर्म जो है वो अंदर की तरफ पिंच करती है, और पिंच करके एक अंदर की तरफ एक बबल सा बनाती है, और ये बबल अल्टीमेटली मीजोडर्म से अलग हो जाता है, और इसी तरह एक बबल जो है वो यहाँ पे बनेगा और ये भी अल्टीमेटली सेपरेट हो जाएगा, और ये फिर आगे चल के जो है ये खाली एरिया जो है ये मीजोडर्म बनाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे सॉरी ये सिलोम बनाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एंडोडर्म से यानी कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक अल्टीमेटली बन रहा है उससे स्प्लिट होके एक
सिलोम का पाउच बन रहा है, तो इसकी वजह से ये जो है ये एंटीरो सीलस सिलोम कहलाती है, क्योंकि ये जो इंटरनल कैविटी है ये एंटेरॉन कहलाती है, और ये आगे चल के इसने गट ट्रैक्ट बनाना है। तो ये कैविटी जो है एंटीरोसीलस सिलोम कहलाती है, और एंटीरोसीलस सिलोम जो है वो ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर होती है। एक और मेजर डिफरेंस जो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर होता है, जो जिसकी वजह से इसका नाम भी हमने रखा हुआ है, तो प्रोटोस्टोम्स के अंदर क्या होता है कि ये जब ये सेल्स अंदर की तरफ इनवेजिनेट हुए थे, तो उसकी वजह से ये एक सुराख बना है। इस सुराख को हमने नाम दिया था ब्लास्टोपोर का। तो ये जो ब्लास्टोपोर है इससे आगे चल के क्या बनेगा, तो उसकी वजह से ये इन दोनों को हमने नाम दिया हुआ है। अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बन जाए तो इस ग्रुप को हम कहेंगे प्रोटोस्टोम। प्रोटो का मतलब होता है पहले, और स्टोमा कहते हैं माउथ को। तो ये सबसे पहले जो ओपनिंग बनी है वो ब्लास्टोपोर है, और फर्स्ट ओपनिंग से फर्स्ट माउथ बन रहा है, तो उस वजह से इस ग्रुप को हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। उसके मुकाबले में अगर ये ब्लास्टोपोर आगे चल के माउथ ना बनाए, बल्कि ये एंटीरोन अंदर की तरफ जाते हुए यहाँ पे जाकर एक और ओपनिंग बनाए, और ये सेकंड ओपनिंग आगे चल के माउथ बना दे, और फर्स्ट ओपनिंग माउथ के बजाय एनस बना रही हो, तो ये जो माउथ बनने का पैटर्न है, क्योंकि फर्स्ट ओपनिंग से माउथ नहीं बना है बल्कि सेकंड ओपनिंग से माउथ बना है, तो इसको हम कहते हैं ड्यूटेरो स्टोम। ड्यूटेरो का मतलब होता है सेकंड, स्टोमा कहते हैं माउथ को। तो सेकंड ओपनिंग जब माउथ बनाती है तो ऐसी क्लीविज जो है वो ऐसे ग्रुप पैटर्न जो है क्लीविज का वो ड्यूटेरोस्टोम कहलाता है। अब ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी बेस पे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को हम डिवाइड करते हैं सब डिफरेंट स्मॉलर सब ग्रुप्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हमने मल्टी सेलुलैरिटी की बेस पे एनिमल्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कैसे कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रू मल्टी सेलुलैरिटी डेवलप हो गई है उनको हम यू मेटाजोआ कहते हैं, और इसके अंदर तकरीबन तमाम एनिमल्स आ जाते हैं। उसके मुकाबले में इसका ऑपोजिट ग्रुप जो है वो पैराजोआ है। पैराजोआ के अंदर बॉडी मल्टी सेलुलर तो होती है लेकिन नो टिश्यूज, इनके अंदर टिश्यूज नहीं होते, और इनको हम कहते हैं स्पंजिज, और ये हैं फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स जिनके अंदर टिश्यू मौजूद नहीं है। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू मौजूद हैं वो बाकी तमाम फाइला में आते हैं। इनको हमने रखा हुआ है यू मेटाजोआ के अंदर। अब यू मेटाजोआ को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेडियल सिमेट्री आती है उनको हमने रखा हुआ है ग्रेड रेडिएटा के अंदर, और रेडिएटा में आ जाता है फाइलम नाइडेरिया। नाइडेरिया के अलावा बाकी तमाम एनिमल्स जो हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, और उनको हमने ग्रेड बाइलेट्रिया के अंदर रखा हुआ है। फिर उसके बाद तीसरा जो एस्पेक्ट है उसको बाइलेट्रिया को हमने बॉडी कैविटी की बुनियाद पे फर्दर डिवाइड किया है तीन ग्रुप्स के अंदर। अगर सिलोम मौजूद ना हो तो उनको हमने ए सिलोमेट कहते हैं, और ये आ जाता है फाइलम प्लेटी हेलमेंथीस जिसके अंदर कोई सिलोम मौजूद नहीं है। फिर उसके मुकाबले में दूसरा जो इनका ग्रुप है वो सूडो सिलोमेट है, और सूडो सिलोमेट के अंदर आ जाते हैं फाइलम नीमाटोडा के मेंबर्स, और बाकी तमाम फाइला जो हैं वो सिलोमेट्स हैं, और उनके अंदर ट्रू सिलो मौजूद होती है। सिलोमेट्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्लीवेज पैटर्न की बुनियाद पे दो ग्रुप्स के अंदर, और वो हैं प्रोटोस्टोम्स जिनके अंदर क्या नाम है
फर्स्ट ओपनिंग से माउथ बनता है उनको हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं, और प्रोटोस्टोम्स के अंदर आ जाते हैं मेंबर्स फाइलम मोलस्का के, फाइलम एनिलिडा के, और इसके अलावा तीसरा इसके अंदर आ जाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये तीनों प्रोटोस्टोम्स हैं। उसके मुकाबले में ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर आ जाते हैं मेंबर्स इकाइनोडर्मेटा, और इसके अलावा आ जाते हैं मेंबर्स कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा के। तो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया है एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज या मल्टी सेलुलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, बॉडी कैविटी एंड क्लीवेज पैटर्न, और ये डिफरेंट फाइला जो हैं उनके अंदर इस तरह से हमने एनिमल्स को अरेंज कर दिया है, और हर ग्रुप जो है उसको हम आसानी के साथ अब स्टडी कर